रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट ने दूसरी बार भाजपा के टिकट पर फिर से जीत दर्ज की है लगातार। सर बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप किस तरीके से युवा फिर से आपने जीत दर्ज रामनगर से की है, क्या मानते हैं किस तरीके से अब आगे कार्य किए जाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों के कार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, शांति है, अमन चैन के लिए जिस प्रकार से था, उसके प्रति क्षेत्र की जनता ने जो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में शासन करने के लिए भेजा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपने प्रदेश की जनता का भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और विकास के कार्य, पिछले 5 सालों में जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, उसको देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, जो एक मिथक था कि हर 5 साल बाद नई सरकार आती थी, नया दल आता था, इस बार उस मिथक को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का, जो जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पर जनता को लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, उस विश्वास पर उन्होंने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दिया है। विकास के जो कार्य आचार संहिता के कारण रामनगर विशेषकर में विधानसभा के बाद जो रुके थे, वो काम हम आप प्रारंभ कराएंगे, और जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे विषय हैं जिसका खाका हमने तैयार किया है, हम आचार संहिता के कारण उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, सरकार गठन होने के बाद उन कार्यों को हम प्रारंभ करेंगे, और जनता की जो अपेक्षाएं हमसे हैं उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर हमने लगातार आपसे पूछा था, आपने कहा था कि लगातार सरकार और आपके द्वारा रामनगर में विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन लोगों का कहना था कि आप बिल्कुल भी काम नहीं करते, उन लोगों के लिए अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब वो तो जनता ने उनको फैसला दे दिया है, जनता कोई ऐसी तो मत करती नहीं है, जो विकास के कार्य होते हैं उनकी समस्याओं का हल होता है, उनके जो मूलभूत आवश्यकता है उनको, अब उनको खुद ही पता है कि क्या चुनाव में हुआ है, तो वो तो खुद ही समझ जाए इस बात के लिए। जीत दर्ज आपने की है, क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं जैसा मैंने कहा, मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो खुद लगकर, उसको ये चिंता, वो समझता है कि मैं ही प्रत्याशी हूँ।